नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन साक्षी .in में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हमें जिनका बायोडाटा प्राप्त हुआ है, इनका नाम निशा विश्वकर्मा है। निशा जी की उम्र 31 साल है। इनकी हाइट 5 फुट 4 इंच है। एजुकेशन में निशा जी ने 10वीं तक पढ़ाई की है और ये विडो हैं। इनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं। निशा जी उत्तराखंड हरिद्वार की रहने वाली हैं। इनका कहना था कि इनका मायका तो यूपी में है, मुरादाबाद से हैं ये, पर शादी के बाद ये उत्तराखंड हरिद्वार में ही सेटल हो गई और अभी ये उत्तराखंड में ही रह रही हैं, हरिद्वार में। इनका कहना था कि इनको शादी के लिए एक रिश्ते की तलाश है और क्यों ये दूसरी शादी करना चाहती हैं, क्या कारण है इनका, वो भी हमें इन्होंने बताया। इनका कहना था कि इनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं और इनके हस्बैंड को एक्सपायर किए 8 महीने हुए हैं। इनके हस्बैंड का पानी में डूबने के कारण उनकी मौत हो गई और इनके बच्चे वगैरह नहीं हैं। इनके हस्बैंड गंगा स्नान को गए थे पर एक दुर्घटना में वो नदी में डूब गए, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। ये कह रही थी कि इनको दूसरी शादी नहीं करनी है, नहीं करना चाहती थी ये, पर इनके घर वालों ने इनको समझाया और ये काफ़ी परेशान भी रहती हैं क्योंकि इनके पति काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने कभी इनके साथ झगड़ा नहीं किया, ना ही इनके साथ मारपीट की, पर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और इनको अकेला छोड़कर चले गए। इनके माता पिता भी चाहते हैं कि इनका घर बस जाए और इनको भी खुश रहने का अधिकार है। जो दुनिया से चला गया है उसकी याद में रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनके पिताजी चाहते हैं कि इनका जल्दी से रिश्ता हो जाए और एक जीवन साथी मिले जिनका सहारा बन सके और साथ दे सके इनका। लड़के से कोई डिमांड नहीं है इनकी और हिंदू जाति के रिश्ते चलेंगे और एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप विधुर हैं, तलाकशुदा हैं या आप अनमैरिड हैं और आप विधवा लड़की से शादी करना चाहते हैं तो आप इनसे आगे की भी बात बढ़ा सकते हैं। या आप सेकंड मैरिज के लिए रिश्ता देख रहे हैं, आपकी संतान वगैरह हैं तो भी ये स्वीकार कर लेंगे और माँ के समान प्यार करेंगे, कभी भेदभाव नहीं करेंगे। और लड़के की मंथली इनकम 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में हो, ये इनका कहना है। तो अगर आपको इनका बायोडाटा पसंद आया हो और आप इनसे रिश्ता करना चाहते हैं तो ही आप इनसे संपर्क करें। और यदि आपको निशा जी का बायोडाटा नहीं पसंद आया है और आप इससे बेहतर रिश्ते की तलाश में हैं तो आप हमारी वेबसाइट jeevansakshi.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप जाकर बहुत सी लड़कियों से रिश्ते के संबंध में बातचीत कर सकते हैं और चैट के माध्यम से आप उनसे बातचीत करके आगे की बात बढ़ा सकते हैं। और अगर आप निशा जी से रिश्ता करना चाहते हैं तो जो आप स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट नंबर देख रहे हैं इस पर आप इसको, ताकि हम आपका बायोडाटा इन तक पहुंचा सकें और ये आपसे संपर्क करके आगे की बात बढ़ाएं। अगर आपको निशा जी का प्रोफाइल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब